हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का गुरुकुल क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएससी 2016 वाले कारण नाक के ऊपर पानी जाने के बाद यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। 2016 वाले को लगता है कि मेरे द्वारा बार बार वीडियो बनाने के बाद वह बाहर हो रहे हैं और बहुत गलत गलत कॉमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कॉमेंट लिख रहे हैं जिसे अभी सुनाया भी नहीं जा सकता है, पर वह नहीं जानते हैं कि वह खुद इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है। सब जानते हुए भी उन लोगों को लगता है कि मेरे कारण से वह बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे आप लोगों से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये भर्ती 2014 वालों की है, ना कि 2016 वाले स्टूडेंटों की। अभी वैसे ही 2014 वाले आयोग के ढुलमुल रवैये के कारण परेशान हैं और ऊपर से 2016 वाले बहुत स्टूडेंट बीएससी मेंस में क्वालिफाई हो गए हैं। दोस्तों, एक ने तो कमेंट किया कि जिस दिन तुम पटना आओगे तो हम सब छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, इनको बताना चाहते हैं कि ये लोग जो बोले या करें, लेकिन 2014 के छात्रों के हक के लिए मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। एक छात्र बोल रहे हैं कि 2016 के खिलाफ वीडियो बनाना छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि वह सब कमेंट मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन 2014 के छात्रों के लिए लगातार वीडियो बनाता रहूँगा जब तक कि उनका हक मिल नहीं जाता है। हाँ, अगर जो स्टूडेंट 2014 में 18 वर्ष पूरा हो गया होगा, वो अगर 2016 में फॉर्म भरे होंगे तो वो योग्य हैं इस भर्ती के लिए। तो दोस्तों, मैं और मेरे जैसे जितने भी यूट्यूबर हैं वो सभी 2014 के छात्रों के हक के लिए लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। चाहे इसके लिए 2016 के छात्रों मुझे बार बार गाली दें, कमेंट करें, लेकिन मैं उनके हक के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और हम सभी यूट्यूबर मिलकर एक बहुत बड़ा महाआंदोलन करने जा रहे हैं बीएससी के खिलाफ। तो आप सभी लोग इस आंदोलन से जुड़ें और इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम चल पाए। लेकिन अभी कोरोना के कारण से एक गाइडलाइन जारी किया गया है जिस कारण से हम लोग एकजुट नहीं हो सकते एक जगह पे। जब ये कोरोना का प्रोटोकॉल हट जाएगा उसके बाद हम सभी लोग इस महाआंदोलन को सफल बनाएंगे और आयोग को जिस तरह से वो अपना रवैया अपना रही है उस रवैया को ख़त्म करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों को भी दें। धन्यवाद।